Hello everyone, welcome to Fun Learning with Andy, and this is the second video of the Commonly Mispronounced Words series. In this series, we learn the correct pronunciations of the words that we commonly know but mispronounce. Today, I've got 5 more new words that we commonly mispronounce. But before we go ahead, if you're new to this channel, please hit the like and subscribe button for more videos like this. You can also check the previous videos in this series for more commonly mispronounced words. So let's start with the first word for the day. So the first word of the day is, yes, probably. Yani shayad. Hindi mein hum isse shayad bhi kehte hain. Like, I probably would be doing that. Ya main shayad wo karun. But काफी हद तक मैंने लोगों को सुना है इसको probably बोलते हुए. ये उसका गलत प्रोनाउंसिएशन. The correct pronunciation for this word is probably. Bub. A का साउंड इसमें अ आता है. Probably. 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 मेरे साथ बोलिए. Probably. Probably. बहुत अच्छे. आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे शब्द पे, जो एक बहुत मीठा शब्द है. चौंक गए ना? मीठा. बिल्कुल सही. हम आज बात कर रहे हैं डिजर्ट की. यस. इसकी स्पेलिंग है DESSERT और हम इस शब्द को बोलते हैं डिजर्ट. कैसे बोलते हैं? डिजर्ट. मेरे साथ दोहराइए. डिजर्ट. डिजर्ट. एक और शब्द इससे मेल खाता है जो कि है yes, DESERT. इस शब्द का मतलब है रेगिस्तान या फिर छोड़ देना. डेजर्ट. इसको हम बोलते हैं डेजर्ट. डेजर्ट. डिजर्ट. डेजर्ट. डिजर्ट. डेजर्ट. इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक सिमिलर है, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. तो जब भी हम इस वाले शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे इस चीज को. डिजर्ट. डिजर्ट. अगर हम इस शब्द को बोल रहे हैं तो उसको हम याद करेंगे इस चीज से. डेजर्ट. डेजर्ट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड ऑफ द वीडियो. यस. आयरन. दिस कैन बी द मेटल और द इक्विपमेंट दैट यू यूज टू प्रेस योर क्लोथ. राइट. सो इस ये चाहे इस्त्री है या लोहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन आयरन नहीं है. इसकी स्पेलिंग अगर देखें वो है IRON. स्पेलिंग के अनुसार काफी लोग इसे आयरन बोलते हैं. वो गलत प्रोनाउंसिएशन है. इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन है आयरन. आयरन. मेरे साथ दोहराइए. आयरन. आयरन. इसमें आर का साउंड साइलेंट है, यानी उसको हम बोलते समय उसका साउंड नहीं निकालें. तो आयरन. आयरन. बहुत अच्छा. चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे शब्द पर. ये सबको पसंद है, बहुत लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं. एनी गेसेस? यस, पिज्जा. हम सबको पिज्जा बहुत पसंद है. बट मैंने काफी बारी काफी लोगों को बोलते हुए सुना है पिज्जा या पिज्जा या पिज्जा. ये इस शब्द का गलत प्रोनाउंसिएशन है. इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन है पिज्जा. पिज्जा. मेरे साथ दोहराइए. पिज्जा. पिज्जा. बहुत अच्छे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ वर्ड ऑफ द वीडियो. यस. बेयर.
यानी भालू, या फिर खर्चा उठाना या ऐसा। इंग्लिश में इस शब्द को हम एक और वाक्य या सेंटेंस में यूज करते हैं, लाइक शी हैज टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, या मतलब उसे उस चीज का खर्चा उठाना पड़ेगा। बट मैंने काफी लोगों को इस शब्द को बियर बोलते हुए सुना, जो कि इस शब्द का गलत प्रोनाउंसिएशन है। इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन है बेयर, बेयर, जैसे आप पैर बोलते हैं, पैर हिंदी में पैर, वैसे ही इस शब्द को इंग्लिश में बेयर बोलते हैं, बेयर। मेरे साथ दोहराइए, बेयर। ऐसे और भी शब्द हैं, टेयर, टेयर, वेयर यानी पहनना, वेयर, पैर, पियर नहीं, पैर, पैर। तो इसी की तरह दिखते हैं, क्योंकि इनकी स्पेलिंग काफी हद तक सेम है, सिर्फ फर्स्ट कॉन्सोनेंट को चेंज किया गया है, बी ई ए आर, टी ई ए आर, डब्ल्यू ई ए आर, पी ई ए आर। इन शब्द को भी सेम तरीके से बोला जाता है, पैर, वेयर, टेयर, बेयर। सो दीज वर द फाइव न्यू वर्ड्स दैट वी कॉमनली मिसप्रोनाउंस। I hope this video was very helpful for you to learn the pronunciation of these words. So, this was all for today. I will meet you in the next video of this series. Till then, bye bye. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel for updates and more videos like this.